हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहां पर बड़ी खुशखबरी आ गई है, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए। दोस्तों सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट के बारे में। दोस्तों इसकी तिथि हो चुकी है घोषित, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों बहुत समय के बाद इसका इंतज़ार ख़त्म हुआ। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी की जो जानकारी है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों बड़ी खुशखबरी है, ठीक है, पल पल की अपडेट देता रहता हूँ रेलवे के संबंध में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियल तरीके से बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जनसत्ता पर अपडेट आया है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी अपडेट मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये आज 15 जुलाई है, 9:04 पर इसकी अपडेट आई है। मैं एकदम ऑफिशियल बता रहा हूँ इसकी क्या अपडेट, मैं आपको एक एक न्यूज़ बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दें, मैं अपडेट देता रहता हूँ यहाँ पर ऑफिशियल एकदम। यहाँ पर दिया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड 2019 एग्ज़ाम डेट सिलेबस लाइव अपडेट, जानिए कब आएंगे एडमिट कार्ड, यहाँ देखें फर्स्ट डेट। दोस्तों ये यहाँ पर अपडेट दिया हुआ है, बताया कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdz.gov पर, इसके अलावा सभी रीजनल जो वेबसाइट पर भी लाइव कर दिया जाएगा। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ के द्वारा अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, इसकी अपडेट अभी भी आई है आरआरबी एनटीपीसी रिक्वायरमेंट, और यहाँ पर बताया गया है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी जल्द ही सीबीटी की यानी पहली स्टेज के लिए एडमिट कार्ड जारी करने वाला है, और आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्टेज फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी का एडमिट कार्ड जल्द ही रेलवे अपनी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करने वाला है। परीक्षा की तिथि से 4 दिन पहले इसके एडमिट कार्ड आएंगे, ठीक है, जारी कर दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक की ऑफिशियल वेबसाइट ये दी हुई है, इसके अलावा अपने जो रीजनल वेबसाइट है उस पर भी लाइव कर दिया जाएगा। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर तथा डेट ऑफ बर्थ की मदद से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों बड़ी अपडेट है, बहुत ही जल्द इसके एडमिट कार्ड आने वाले। दोस्तों तैयारी और अच्छे से करिए, और इससे पहले पैरामेडिकल की पदों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का एडमिट कार्ड भी जारी करने वाला है। पैरामेडिकल पदों पर भर्ती के लिए 19 जुलाई से शुरू हो रही है और 15 जुलाई की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे, यानी आज इसे जारी कर दिए जाएंगे। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने, यहाँ पर देख सकते हैं मीडिया रिपोर्ट की माने एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड इसी महीने जारी किए जा सकते हैं। परीक्षा की तिथि और एडमिट कार्ड से जुड़े अपडेट बता रहे हैं यहाँ पर, हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों मैं आपको एकदम पल पल की अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है, इसके कोई एडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजे जाएंगे, अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा और इसके एडमिट कार्ड अलग अलग आएंगे, ठीक है। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा है, दोस्तों मैं जैसे इसकी कोई और ऑफिशियल अपडेट आएगी तो मैं आपको एकदम बताऊँगा। तो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं पल पल की अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। तो बेल आइकन होगा उसको भी साइड में, उसको भी दबा देना, जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तुरंत आपके तक आ जाएगा, उसको भी दबा देना। जैसे मैं अपलोड करूँ कोई आरआरबी से यानी कि रेलवे से संबंधित तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को।